हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ और एक नई नॉलेज देने के लिए आपको आ चुका हूँ मैं। तो दोस्तों, ये स्कॉर्पियो का कंप्रेसर है और इसको आज हम चेक करेंगे कि इसका लीकेज वगैरह कैसे चेक करें। तो ये देखें, हमारे पास इतनी सारी किट अवेलेबल है जिसको इससे कंप्रेसर में टाइट करके और इसकी लीकेज वगैरह चेक कर सकते हैं, पाइप लगा के और एयर लगा के, एयर इसमें डाल के और चेक कर सकते हैं एकदम ईजिली। तो ये आप कंप्रेसर देख लीजिए, ये स्कॉर्पियो का, और फिर इसमें नोजल वगैरह इसका टाइट कर रहे हैं। नोजल टाइट करके पहले, और उसके बाद फिर प्रेशर इसमें डाल के और चेक करेंगे कि कहाँ से कहीं से लीकेज वगैरह है नहीं है। ये कंप्रेसर में, मतलब ये गाड़ी में गैस जला जा रही थी, गैस जलाया हुआ था, मगर फिर भी वो चलते उड़ते 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 पूरा गैस लीक कर रहा था। तो हमने चेक किया तो ये कंप्रेसर लीक है। अब आपको चेक करके दिखाएंगे कि ये लीक है नहीं है, कैसे लीकेज चेक करें नहीं करें। तो पहले तो इसमें दो नोजल चेक कर ले अच्छे से, कि दो नोजल नोजल टाइट कर ले, मतलब अच्छे से जो भी दो नोजल है। नोजल टाइट करने के बाद एक मीटर से जो दो तार आएगी, एक तार इसमें कंप्रेसर में टाइट कर दे। किसी में भी कर सकते हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर किसी भी पाइप में कर सकते हैं, क्योंकि हमें कंप्रेसर में एयर भरना है और एयर भरने पर चेक कर सकते हैं। और दूसरा तार दूसरा पाइप कंप्रेसर में टाइट कर दे है। तो देख रहे, टाइट किया जा रहा है और ये नोजल का इसका वाल टाइट कर रहा है अच्छे से, ताकि कहीं से लीकेज वगैरह नहीं हो। और वाल वगैरह से भी कई दफ़ा होता है, तो वहाँ से भी लीकेज ना हो अच्छे से चेक कर ले पहले वाल वगैरह का। नोजल पहले इसका चेक कर ले अच्छे से, नोजल की कहीं जो वायल है उसमें वाल टाइट है कहीं, वहाँ से तो लीकेज वगैरह नहीं है। कंप्लीट करके उसके बाद इसमें डाले प्रेशर, और प्रेशर हम इसमें डालेंगे कितना भाई, अभी प्रेशर इसमें हम 300 डालेंगे। और 300 इसमें प्रेशर डालने के बाद हम इसको छोड़ेंगे 5 मिनट 10 मिनट के लिए, छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। और उसके बाद, या बिना छोड़े हुए भी आप चेक कर सकते हैं इसको, इस पर शैम्पू वगैरह का पानी जो आता है वो लगा के और डाल के, और इसको वैसे चेक कर सकते हैं, या इजली इसको पानी में डाल के चेक कर सकते हैं। तो इसको हमने देख लिया, इसमें बारीक सी कहीं से लीकेज है वो मैं आपको दिखाऊँगा। पहले इसका खोल रहे हैं अलग से, पहले इसका क्लच प्लेट ऊपर का क्लच खोल रहे हैं, देख सकते हैं 10 नंबर का पहले बोल्ट ऊपर से खोल के, और उसके बाद इसमें 12 नंबर का लंबा सा बोल्ट टाइट करके, और उसका ऊपर का क्लच इजिली खोल सकते हैं, जैसे खुला है अभी देख सकते हैं आप। तो ये खुला हुआ क्लच ऊपर का। अब ये बैरिंग वाला, ये बैरिंग के साथ आती है, ये लॉक हटा के आराम से, और इसको पुल्ली को आराम से खोल ले, आराम से इसको खोल लिया जाएगा, लॉक निकल जाए पहले यार। तो लॉक निकल गया आराम से। अब इसको ऐसे ही इजिली नहीं खुलेगा, क्योंकि ये फिक्स होता है तो थोड़ा जाम हो जाता है, इसको पुलर के सहायते से खोलना पड़ेगा। तो इसमें पुलर आराम से ऐसे टाइट करके, और पुलर को टाइट करेंगे तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा, पुलर के सहायता से ही अपने आप ऊपर खुल जाएगा। तो देखिए, पुलर को टाइट किया जा रहा है, और पुलर को टाइट करेंगे पकड़ के अच्छे से, तो ये अपने आप ऊपर आ गया। तो ये ऊपर आ गया हमारा, और नीचे हमारा मैग्नेट कॉयल है, ये देख सकते हैं कि मैग्नेट कॉयल है। तो मैग्नेट कॉयल को भी खोलने के लिए एक लॉक इसके अंदर होती है, वो खोलना है, और साइड में एक पत्ती पे होती है 10 नंबर की बोल्ट, तो वो भी खोलना है। तो फिलहाल में हमें अभी हमें मैग्नेट कॉयल नहीं खोलना है, लीकेज का सॉल्यूशन निकालना है, उसके बाद मैं आपको दिखा